इंदौर के बढ़ते यातायात को लेकर समय समय पर कई जागरूकता अभियान यातायात विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके इंदौर का ट्रैफिक जस का तस बना हुआ है, जिससे नाराज निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शुक्रवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय पर जिला प्रशासन ट्रैफिक विभाग के साथ एक संयुक्त बैठक ली, जिसमें यातायात नियमों को पालन करने लेकर सख्ती बरतने की बात कही है, जिसके तहत महापौर ने 5 बार ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले व ई चालान नहीं भरने वालों के लाइसेंस निरस्त करने की बात कही थी। जिस पर शनिवार को सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इंदौर का ट्रैफिक बेहतर हो और यह सभी की मंशा भी है। सभी चाहते हैं कि इंदौर का यातायात में सुधार हो, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं। सांसद ने कहा है कि मैं उनसे अपील करता हूं कि हम लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम शहर के यातायात को सुधारने में अपना योगदान दें, ताकि इंदौर की ख्याति अनुसार ट्रैफिक में भी नंबर 1 बने। वहीं सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि जिस तरह से इंदौर देश में स्वच्छता में नंबर 1 है, पिछले 7 वर्षों से आ रहा है, इस तरह यातायात में भी इंदौर नंबर 1 बने, इसके लिए इंदौर की जागरूक जनता का महत्वपूर्ण योगदान जरूरी है। देखिए, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इंदौर का ट्रैफिक बेहतर हो और सबकी ये मंशा है, सभी चाहते हैं इंदौर का ट्रैफिक बेहतर हो, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो ट्रैफिक के नियम पालन नहीं करते। तो मेरा उनसे निवेदन है कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। ये पिछले लोकसभा चुनाव में ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।